नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अशोक सुथार अपने YouTube चैनल हैंड राइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेटर मैं सीखने जा रहे हैं। मैं से मछली। देखिए इसके स्टेप और रूल्स। हमने पिछली क्लास में गैस सीखा था। गैस से आपके कई शब्द बन जाते हैं। गै का ही पार्ट मैं आता है। देखिए बोर्ड पे ये इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट के बाद आपके सेकंड पार्ट, सेकेंड के बाद देखिए ये इसका थर्ड पार्ट। ये पार्ट पहले हमारे गै के अंदर आ चुके हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसी को हम थोड़ा बार कर लेते हैं, ये आपके आ जाएगा फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये इसका आ गया फिफ्थ। आप देखें इसकी लंबाई इस पार्ट की यहां से यहां तक, इस पार्ट की यहां से यहां तक, और ये जो लंबाई है इसकी इतना ही हम इसके बीच में बराबर गैप रखते हैं। ये इसका सिस्टम होता है, मापतोल होता है। और स्ट्रेट लाइन कितनी लंबी करनी है वो भी आपको पता है, ये इसकी सीध तक आती है, जो सिस्टम गे में था। अब आपके सिक्स में रूफ लाइन इसकी कंप्लीट या पूरी आएगी। सिक्स में ये लेटर आपके कंप्लीट हो जाएगा। इसके छह या सिक्स पार्ट है। अब इसमें हमारे से कहां गलतियां हो जाती है या कमियां रह जाती है वो देखिए। फर्स्ट तो हम जो ये राउंड में बनाते हैं ये अब चलन में नहीं है। दूसरी बात, इसको हम इस तरह से स्टैंड लाइन को हम इसकी सीध से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। यहां पर ज्यादा गलतियां होती है। इसको हम इसके स्टैंड लाइन को बराबर भी नहीं रख सकते। हमारी जो मेन स्टैंड लाइन है वो इसके बराबर आनी चाहिए, न तो इस सीट से, इस स्लॉट से बड़ी होती है न छोटी होती है, इसके बराबर रुकनी चाहिए। ये चीजें हमारे जब माइंड में फीड हो जाती है उसके बाद बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्वतः ही बन जाती है, आ जाती है। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसकी लंबाई कैसे हम बराबर रखें, वो स्वतः ही आ जाती है। बस हमें इस चीज का, इसका सिस्टम का, इसका माप तोल का ध्यान होना चाहिए। ये आपके सिक्स में लेटर कंप्लीट। अब आप अपनी कॉपी पे ये सिक्स पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद लेफ्ट और राइट का आप प्रैक्टिस या अभ्यास कर लें। हाँ जी, सबके कॉपी पर नोट हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।